हेलो बच्चों, प्रोविंग सीएस की तरफ से आप लोगों का बहुत स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आ रहे हैं पेपर 3 इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसका पार्ट बी दैट इज व्हाट बिजनेस एनवायरनमेंट। वो बिजनेस एनवायरनमेंट का जो पार्ट है दैट विल बी डिस्कसिंग, द होल पेपर विल बी डिस्कसिंग टुगेदर। एंड ये नवंबर 2020 का पेपर आपके सामने क्या लेके आए हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज जनरली बिलीव्ड दैट एंटरप्रेन्योर्स टेक, चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला, नो रिस्क सिंस दे आर रिस्क एवर्स। सेकेंड, हाई रिस्क। थर्ड, लो रिस्क, मॉडरेट एंड कैलकुलेटेड रिस्क। एंटरप्रेन्योर मतलब क्या? एंटरप्रेन्योर मतलब ऐसा पर्सन जो, ध्यान से, जो क्या, जो आइडिया जनरेट कर और उस आइडिया को रियलिटी में बदलने के लिए क्या सब कुछ कर लेता है। दैट मींस आइडिया आने के बाद रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज करता है, रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज होने के बाद क्या स्ट्रेटजीज बनाता है, स्ट्रेटजीज को क्या एग्जीक्यूट करता है, इंप्लीमेंट करता है और आइडिया को सक्सेसफुली क्या लॉन्च करता है, एंड अपने बिजनेस को सक्सेसफुल करता है। मतलब एंटरप्रेन्योर ये वो पर्सन होता है जो आइडिया से लेके बिजनेस सक्सेसफुल हो तब तक उसके पीछे उसके साथ लगा रहता है। तो अब आप सोचो, एंटरप्रेन्योर बनना मतलब बिजनेस करना, तो बिजनेस करना, तो ये चार में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन अपने लिए है? तो पहला ऑप्शन, क्या बिजनेस करने वाला रिस्क नहीं लेता? गलत, बिजनेस करने वाला रिस्क लेता है। तो ऑटोमेटिकली ये पहला वाला ऑप्शन है ना बच्चे लोग, वो क्या स्क्रैप हो जाए। ध्यान से, सेकेंड, हाई रिस्क होता है। हाँ, बिजनेस में हाई रिस्क होता है, बट ज्यादा हाई रिस्क वाले बिजनेस में एंटरप्रेन्योर क्या एंटर ही नहीं करते। तो सेकंड भी क्या सिर्फ। थर्ड, लो रिस्क, बिजनेस करेंगे तो लो रिस्क होते हैं। भाई ये लो रिस्क जो है ना, ये अप्रोप्रिएट आंसर नहीं लग रहा है, तो इसे भी क्या करते हैं, स्क्रैप करते हैं। तो चौथा, डी इज द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल, लिखा है क्या, एंटरप्रेन्योर टेक्स मॉडरेट एंड कैलकुलेटेड रिस्क। मॉडरेट एंड व्हाट? Calculated what risk, and that is what is entrepreneurs are. That is what is what entrepreneurs what are. Second, as a part of corporate insolvency resolution process, who appoints an insolvency professional to act as a interim resolution professional? और हमारे पास चार ऑप्शन है। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपके पास ऐसे लॉ या प्रोविजंस के थरो नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन का कोई स्कोप नहीं होता, कोई स्कोप नहीं होता। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या क्वेश्चंस होते हैं, एंड चारों में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। सिंपल, इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को कौन अपॉइंट करता है? द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ऑफ इंडिया एंड नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। एंड आंसर टू दिस थिंग इज व्हाट, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। बच्चे लोग, अगर आपको वो पार्ट ऑफ द क्या चैप्टर याद है, तो ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स, रादर आई वुड से ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा आसान लगेंगे एग्जाम में। इसलिए जब हम रीड करते हैं ना चीज, तब तब उस चीजों को बहुत ध्यान से पढ़े, ऐसी चीजों की नोट बना ले जिससे कि हम ध्यान से आसानी से क्या रिवाइज भी कर सके। थर्ड, अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट अ फॉर्मल ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अ वर्कर इज वन हु वर्क्स इन ईदर पब्लिक सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट और अ प्राइवेट सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट व्हिच एम्प्लॉयज। भाई वर्कर किसे कहते हैं? भाई जो कहां एम्प्लॉयड हो, जो कहां एम्प्लॉयड हो। तो कहते हैं 25 और मोर हायर्ड वर्कर्स। सेकेंड, 50 और मोर हायर्ड वर्कर्स। थर्ड, 3 और मोर हायर्ड वर्कर्स। एंड वॉट, 10 और मोर हायर्ड वर्कर्स। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बच्चे लोग, बहुत ध्यान से सुनो और समझो, रीड द क्वेश्चन थोरली वेल, आंसर करना आसान हो जाएगा। इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट अ फॉर्मल ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वर्कर इज वन, जो क्या पब्लिक सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, हाँ, अपॉइंटेड, तो उसके वर्कर कब कहेंगे? तो कितने नंबर ऑफ वर्कर्स अपॉइंटेड होंगे तो उस पर्टिकुलर पर्सन को वर्कर कहेंगे। एंड आंसर है क्या, 10 और मोर हायर्ड वर्कर्स। मतलब ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे एस्टैब्लिशमेंट जिसमें 10
दस या ज्यादा लोग क्या वर्कर्स काम करते हैं, और अगर हम उसे काम करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हमें वर्कर कहा जाएगा, हमें वर्कर कहा जाएगा। अब आपके सामने टेक्निकल क्वेश्चन। बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ ह्यूमरस इंटर रिलेटेड एंड डायनामिक कंडीशंस एंड फोर्सेस। फिर से एक बार क्या लिखा है, न्यूमरस मतलब बहुत सारे, इंटर रिलेटेड एंड व्हाट डायनामिक कंडीशंस एंड व्हाट फोर्सेस, पार्ट्स सेपरेटली, पार्ट्स व्हाट सेपरेटली बट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इन टोटालिटी। भाई भाई जब बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस में बहुत सारे फैक्टर्स और फोर्सेस क्या इंक्लूडेड होते हैं। हाँ, तो बिजनेस एनवायरमेंट अगर आपको समझाए तो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, इंटरनल एंड व्हाट एक्सटर्नल, और ये इंटरनल एक्सटर्नल फर्दर क्लासिफाइड किसमें करता है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट फर्दर क्लासिफाई करता है माइक्रो और मैक्रो में, माइक्रो और मैक्रो में, मतलब सोशल एनवायरमेंट होता है, टेक्निकल एनवायरमेंट होता है, कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट होता है, लीगल एनवायरमेंट होता है, पॉलिटिकल एनवायरमेंट होता है, इंटरनेशनल एनवायरमेंट होता है, देर आर सो मेनी एनवायरमेंट अवेलेबल। इन बच्चे लोग कहते हैं ये बिजनेस एनवायरमेंट जो है वो कंसिस्टेंटली बदलता है, कंसिस्टेंटली क्या बदलता है, अब ध्यान से बिजनेस एनवायरमेंट जो कंसिस्टेंटली बदलता है हम उसे कहते हैं डायनामिक। बिजनेस एनवायरमेंट क्या है, डायनामिक, बट इसके कंसिस्टेंटली बदलने से जो इम्पैक्ट होती है वो इस क्वेश्चन में पूछा है। हाँ, रीड दिस थिंग, क्या ध्यान से कहते हैं, दिस फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट इज व्हाट, मतलब बिजनेस एनवायरमेंट इंटर रिलेटेड है, यस सर है, वो कंसिस्टेंटली बदलता है, हाँ बदलता है, बट इससे जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसे क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने है, कॉम्प्लेक्सिटी, अनसर्टनिटी, रिलेटिविटी एंड डायनामिक नेचर, एंड द बेस्ट सुटेड आंसर क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी। अलग अलग बिजनेस एनवायरमेंट, अलग अलग चेंजेस, और ये अलग अलग चेंजेस के बाद, बच्चे लोग ध्यान से, ये अलग अलग क्या चेंजेस के बाद जो कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होती है ना, इसीलिए बिजनेस एनवायरमेंट का सेकेंड फीचर क्या है, बिजनेस एनवायरमेंट का सेकेंड फीचर, पहला वाला डायनामिक, सेकेंड फीचर है कॉम्प्लेक्स, क्योंकि क्या कब कौन सा एनवायरमेंट किस तरह से चेंज होगा हमें पता नहीं है, और वो हमारे बिजनेस के लिए कौन सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो भी हमें पता नहीं होता है। बस इसी कहते हैं क्या, कॉम्प्लेक्सिटी फीचर ऑफ व्हाट, बिजनेस एनवायरमेंट, बिजनेस व्हाट एनवायरमेंट। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए इन मार्केटिंग रिबेट्स, डिस्काउंट्स, लकी ड्रॉज, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, क्वांटिटी गिफ्ट, सैंपलिंग एंड फुल फाइनेंस एट 0% इंटरेस्ट आर कॉमनली यूज्ड एक्टिविटीज कवर्ड अंडर व्हाट। चार ऑप्शन है, एडवर्टाइजिंग, पैकेजिंग, पर्सनल सेलिंग एंड व्हाट, सेल्स प्रमोशन। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चे लोग, बहुत बहुत आसान क्वेश्चन कि भाई ये रिबेट्स देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, लकी ड्रॉ देते हैं, 0% इंटरेस्ट पे लोन देते हैं, तो ये सारी फैसिलिटी को क्या कहते हो, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट सिर्फ सेल बढ़ाने के लिए होता है, आपको प्रोडक्ट अच्छा लगे इसीलिए होता है, आपको प्रोडक्ट की वैल्यू समझ में आए इसलिए होता है, बराबर है, तो ये एडवर्टीजमेंट तो नहीं है। सेकेंड, पैकेजिंग, नो, पैकिंग पैकेजिंग इज ऑल टुगेदर अ सेपरेट डिफरेंट कॉन्सेप्ट। थर्ड, पर्सनल सेलिंग, फेस टू फेस बेचने के लिए सब होता है, नहीं, पर्सनल सेलिंग मतलब फेस टू फेस बेचना है, ये सारी टेक्निक है उसे कहते हैं सेल्स प्रमोशन टेक्निक। सारी की सारी टेक्निक क्या है, सेल्स प्रमोशन, ज्यादा से ज्यादा लोग अपना प्रोडक्ट लेने आए, और क्या हमारा रेवेन्यू जनरेशन बहुत ज्यादा हो, यही इंटेंशन के साथ सेल्स प्रमोशन किया जाता है, बस। तो ये क्या सेल्स प्रमोशन इज द राइट आंसर। अब वापस थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज द फॉर्म ऑफ स्टार्टअप फंडिंग। स्टार्टअप ये नाम आजकल बहुत ही फेमस हुआ है, चलो स्टार्टअप बाय डिफॉल्ट मतलब क्या, स्टार्टअप बाय डिफॉल्ट मतलब क्या, भाई हमारे पास आइडिया है और हमने कोई नया बिजनेस शुरू किया, हमने कोई नया बिजनेस शुरू किया, तो वी स्टार्टेड अप अ न्यू बिजनेस, सो दैट इज नोन एज व्हाट, स्टार्टअप, बराबर है। इट इज अर्ली स्टेज ऑफ फंडिंग टू आइडियाज और कॉन्सेप्ट विच आर येट टू एस्टैब्लिश, द मिनिमम वायबल प्रोडक्ट कॉमनली इट्स फंड द बिगिनिंग ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एन आइडिया फॉर अ न्यू प्रोडक्ट। भाई मेरे पास आइडिया आया है और वो आइडिया को सपोर्ट करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो अगर ये आइडिया को कोई सपोर्ट करे तो हम सक्सेसफुल बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो कहते हैं ऐसे फंडिंग जो आइडिया को सपोर्ट करते, ऐसा फंडिंग जो आइडिया को सपोर्ट करते उसे क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, चार ऑप्शन देखिए, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ना ये तो आईपीओ हो गया, जब शेयर मार्केट में हम पहली बार क्या
अपनी कंपनी के शेयर्स का लॉन्च करते हैं, इसे कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो पहला ऑप्शन सीधा क्या कैंसिल हो गया। सेकेंड ऑप्शन देखिए बी, वेंचर कैपिटल फाइनेंस। वेंचर कैपिटल के लिए पहले वेंचर तो हो, अपने पास तो क्या है आइडिया है, बाकी कोई क्या ऑप्शन नहीं है, बजट नहीं है, बिजनेस का क्या फंडामेंटल नहीं है, तो सेकेंड ऑप्शन भी क्या है प्राइवेट इक्विटी फाइनेंसिंग। मतलब हम कोई स्पेसिफिक पर्सन के पास जाते हैं एंड वो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करता है और हम उसे इक्विटी शेयर्स देते हैं, बराबर है। अभी फिलहाल इतना ही नॉलेज बराबर है, इसे कहते हैं प्राइवेट इक्विटी फाइनेंसिंग। तो अभी तो आइडिया है तो आपको कोई इक्विटी फाइनेंस करने वाला नहीं है, करेक्ट। तो ये भी ऑप्शन क्या स्क्रैप हो गया, बी ऑप्शन है राइट ऑप्शन अवेलेबल। इसे कहते हैं सीड कैपिटल फाइनेंसिंग। सीड कैपिटल, आइडिया आया बिजनेस करने का आइडिया, वो आइडिया यूनिक है, वो आइडिया दूसरों से बेहतर है, वो आइडिया फीजिबल है, वो आइडिया रियलिस्टिक है, वो आइडिया से आगे फ्यूचर में बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। तो जब किसी को ये पता चलता है ना कि भाई साहब के पास आइडिया है लेकिन पैसा नहीं है, तो उससे उसे ये क्या आइडिया के ऊपर काम करने के लिए बेसिक फंडिंग देते हैं, इसे कहते हैं सीड फंडिंग, इसे कहते हैं सीड कैपिटल व्हाट फाइनेंसिंग। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी है। डिक्लाइन इन द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स लीड्स टू इंक्रीज स्पेंडिंग बाय कंज्यूमर्स फॉर होम्स एंड कार्स। मतलब जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के रेट्स है किसके, बैंक के, भाई जो लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं उसको जो इंटरेस्ट लगाती है कौन, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो क्या कम हो गए, वो कम हो गए तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट कम हो गया तो क्या ओवरऑल क्या लोन की डिमांड बढ़ेगी। तो सेम वे क्या इट हैज इंक्रीज्ड व्हाट डिमांड फॉर होम्स एंड व्हाट कार्स। मतलब पहले जो घर हम नहीं ले सकते थे अब हम क्या लोन लेके वो घर ले सकते हैं क्योंकि ब्याज कम है, इंटरेस्ट कम है। दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय फॉलोइंग डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो कहते हैं ये जो इंटरेस्ट का कम होना और सामने क्या क्या लोन, लोगों का लोन लेना घर के लिए या कार लेने के लिए, इस फंडामेंटल को हम नीचे लिखे हुए चार ऑप्शन में से किसके साथ बेस्ट सूट कर सकते हैं या तो अटैच कर सकते हैं। पहला टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, नो, इंटरेस्ट रेट कम होने से टेक्नोलॉजी को क्या कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट कैंसिल हो गया। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, यस लोन लो और उसके इंटरेस्ट दो, मतलब पैसा इन्वॉल्व हुआ और पैसा इन्वॉल्व हुआ तो ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आंसर है, बराबर है, बट फिर भी सी और डी को समझ लेते हैं। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ना ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट नहीं है, क्यों, पॉलिटिकल इसमें कोई चेंजेस नहीं है, पॉलिटिकल इसमें कोई चेंजेस नहीं है। एंड लास्ट में लीगल एनवायरनमेंट, कानून चेंज नहीं हुआ ना, देयर इज नो चेंज इन व्हाट लॉ, सो ये लीगल एनवायरनमेंट भी नहीं है बच्चे। तो सिंपल सी और क्या डी दोनों क्या नहीं है, तो ऑटोमेटिकली अपना आंसर क्या हो जाएगा बच्चे लोग, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अगर आप लोगों को थोड़ा और समझा दूं तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मतलब क्या, पैसा या पैसे के जैसा, दैट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो इंटरेस्ट रेट के कम होने से ऑटोमेटिकली क्या लोन की डिमांड बढ़ेगी तो लोगों ने घर और गाड़ियां लेने के लिए लोन ज्यादा लिया, दैट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, दैट इज व्हाट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट व्हाट इफेक्ट। चलिए ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन, हाँ सबसे बड़ी बढ़िया बात इंस्टीट्यूट की क्या है, आपको रियलिस्टिक सिचुएशन में लाके खड़ा कर देते हैं एंड आपको सही मायने में सोचना है कि ये सब्जेक्ट का नॉलेज इस रियल सिचुएशन में कैसे अप्लाई करें, कैसे क्या अप्लाई करें। चलिए ड्यूरिंग नवंबर 2016, हाँ नवंबर का नाम आता है तो सारी दुनिया, एटलीस्ट दुनिया मतलब हम हिंदुस्तानी तो क्या तुरंत इस पॉइंट को क्या वो लाइट हो जाती है, टिंग आईला डीमोनेटाइजेशन, डीमोनेटाइजेशन क्या बोलते हैं, ड्यूरिंग नवंबर 2016 डीमोनेटाइजेशन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन विच टू लार्जेस्ट डिनोमिनेशन, मतलब नोट्स, डिनोमिनेशन के नोट 500 और 1000 वेर डीमटीरियलाइज, मतलब बंद हो गए, जानते हैं आप लोग थे तभी, ध्यान से, द इम्पैक्ट ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट वाज सीन अंडर। अब इस चीज का इम्पैक्ट कहाँ आया, कौन से एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट आया, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट आया, सर करते हैं लोग जो लोगों ने जो सरकार ने क्या बीजेपी सरकार ने ये किया था लोगों को वो पसंद नहीं थी, बट नहीं, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इज नॉट द राइट आंसर। ठीक है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सर अभी आपने बोला था पैसा या पैसे के जैसा, तो सर ये हो सकता है, वेट करो बाकी के दो भी पढ़ लेते हैं। सोशल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता,
हाँ, लोग पहले भी खर्चा करते थे, अब भी करते थे। पहले 500 या 1000 के नोट से करते थे, अब क्या 2000 के नोट से करते थे, या तो ऑनलाइन पेमेंट करते थे। मतलब खर्चे तो पहले भी थे अब भी थे, तो सोशली कोई फर्क पड़ा नहीं, एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में ज्यादा फर्क पड़ा नहीं। हाँ, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में ज्यादा फर्क क्या पड़ा नहीं। सो ये चार में से बेस्ट ऑप्शन ढूंढना है, चार में से क्या बेस्ट ऑप्शन ढूंढना है, ध्यान से देखो। ड्यूरिंग नवंबर 16 डीमोनेटाइजेशन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन विच टू लार्ज, क्या क्या ध्यान से, इन विच ऑफ द टू लार्जेस्ट डिनोमिनेशन नोट 500,000 कम हुए, बंद कर दिए, इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कहाँ हुआ, इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कहाँ हुआ वो देखना है। चलिए सोचिए, पॉलिटिकल होगा, इकोनॉमिकल होगा, सोशल होगा, या टेक्नोलॉजिकल होगा। टेक्नोलॉजिकल क्या होगा, अगर मैं आपको सिंपल कहूँ ना, तो पॉलिटिकल पॉलिटिकल और व्हाट, क्या सोशल, तो आंसर ही नहीं हो सकता, आंसर हो ही नहीं सकता सिंपली। तो अब दो क्या है, तो भाई सर इकोनॉमिकल या टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल या टेक्नोलॉजिकल, दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड, दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड। और आपको क्या सही मायने में अब ये सोचना है कि इसमें से राइट आंसर कौन सा है, राइट आंसर कौन सा है। चलिए सोचना शुरू कीजिए। आई होप आप लोगों ने इस होगा और सही आंसर चूज किया होगा। इन दोनों में कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या, भले उस पर इम्पैक्ट हुआ था, बट ये आंसर क्या है, इकोनॉमिक। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरबीआई के साथ बाद, क्या आरबीआई ने ये डिसीजन, क्या 500,000 के नोट क्या बंद कर, तो इससे इकोनॉमिक इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे फर्क पड़ा था, इकोनॉमिक एस्पेक्ट एस्पेक्ट पे क्या फर्क पड़ा था, इसीलिए ये क्या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर आएगा। बराबर है, आगे बढ़ते हैं। बाय प्रोवाइडिंग अमेनिटीज, मतलब फैसिलिटीज सच एज व्हाट, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स टू एम्प्लॉयज, अ फर्म ऑर्गेनाइजेशन फुलफिल्स इट्स व्हाट, कहते हैं भाई अपने एम्प्लॉय को, उनके बच्चों को स्कूल कॉलेजेस या हॉस्पिटल की फैसिलिटी जब प्रोवाइड करता है, कौन, ऑर्गेनाइजेशन जहां वो बंदा काम कर रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, चार ऑप्शन है। ग्रोथ ऑब्जेक्टिव के नाम से देखते हैं इसे, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के नाम से देखते हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव के नाम से देखते हैं, या इसे सोशल ऑब्जेक्टिव के नाम से देखते हैं। बच लोग, विदाउट एनी थिंकिंग, विदाउट एनी क्या थिंकिंग, इट इज सोशल ऑब्जेक्टिव। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीन्स हर एक ऑर्गेनाइजेशन की एक नैतिक जवाबदारी होती है, एक एथिकल मोरल बेस्ड जवाबदारी होती है। बंदा आपके यहाँ काम करता है तो आप उन्हें ये फैसिलिटीज देंगे, क्यों, अगर आप उन्हें फैसिलिटीज देंगे तो क्या पर्सन फ्रीली सेफली काम कर पाएगा, मतलब उसकी एफिशिएंसी और बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ भी और ज्यादा अच्छा होगा, और ज्यादा अच्छा होगा। चलो किसे कहते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स, हाँ कॉन्सेप्ट क्या है, सी एस आर, मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब नेक्स्ट कहते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एक्सेप्ट, नीचे लिखी हुई सारी चीजों में से एंटरप्रेन्योर की सारी कैरेक्टरिस्टिक है के बराबर है, एक नहीं है, जो नहीं है उसे ढूंढना है ना। ऐसे क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो है वो पता है, बट जो नहीं है उस पर फोकस करके क्या उसे चूज करना है। तो ध्यान से ऐसे क्वेश्चन को पढ़े, चलिए ए से शुरू करते हैं, ए ऑप्शन से। एंटरप्रेन्योर्स टेंड टू टेक रिस्क इन द फेस टू फेस एंड व्हाट, इन द फेस अनसर्टेनिटी, बिकॉज एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, रिस्क लेते हैं, अनसर्टेनिटीज को, एनवायरमेंट जो कभी भी बदल सकता है उसे फेस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये तो एंटरप्रेन्योरशिप की क्या 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 कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो हमने पहले वाले ऑप्शन को क्या किया बच्चे लोग, स्क्रैप कर दिया। सेकेंड बी ऑप्शन, रिस्क बेयरिंग इज एन इनसेपरेबल एलिमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आपको इसी पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन याद है, तो एंटरप्रेन्योर कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं ना, वो हैफेजार्ड क्या, बहुत क्या, बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेते, तो चीज समझी हुई स्ट्रैटेजी के साथ, रणनीति के साथ वो अपना बिजनेस करते हैं। तो ये भी तो क्या उनके क्या, उनके क्या ऑप्शन में आता है, ये भी स्क्रैप हो गया। थर्ड सी ऑप्शन, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ लॉफुल एंड पर्पसफुल एक्टिविटी। ऑफ कोर्स बिजनेस करेंगे तो लीगल बिजनेस करेंगे ना बच्चे लोग, हम ऐसा कोई बिजनेस थोड़ी करेंगे जो क्या इलीगल हो। तो ये भी क्या स्क्रैप है, मतलब क्या एंटरप्रेन्योरशिप क्या पर्पसफुल होता है और लॉफुल होता है, तो ऑटोमेटिकली बचा क्या, एंटरप्रेन्योर्स कैन बी फाउंड ओनली इन प्राइवेट सेक्टर। हाँ,
entrepreneurs are what? Everywhere. It's not just in private sector. It has been found out what? Everywhere. जिसके पास leadership की quality है, जिसके पास visionary skills है, ध्यान से, वो entrepreneur बन सकता है और बनता भी है. तो D is the right answer in here. Next. India's online networking platform for startups, startup entrepreneurs that act as a single point contact, ध्यान से, or the contract between what? Entrepreneurs, incubators, investors and what? Mentors is known as what? AB, straightforward question. भाई, business शुरू करने वालों के online networking के साथ क्या link कौन है? भाई, मैंने business शुरू करना है, बराबर है? तो ऐसा गवर्नमेंट के तरफ से कौन सी फैसिलिटी देता है, कौन सा डिपार्टमेंट फैसिलिटी देता है जो सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट है? सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट है. क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, फिर से रीड करते हैं. इंडियाज ऑनलाइन नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे जो बिजनेस स्टार्टअप करने वाले एंटरप्रेन्योर्स है, से, उनके बीच में और गवर्नमेंट की क्या, गवर्नमेंट की फैसिलिटीज में कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट जो सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है? ध्यान से, नेशनल टेक्निकल क्या अपस्किल, इंडिया स्टार्टअप फोरम, ओपन फोरम फॉर स्टार्टअप, देन व्हाट? स्टार्टअप इंडिया हब. एंड आंसर आपके सामने है क्या? स्टार्टअप इंडिया हब. स्टार्टअप इंडिया हब, ये सिंगल पॉइंट कॉन्टेक्ट है बच्चा लोग, सिंगल पॉइंट कॉन्टेक्ट है. ट्वेल्थ, द फॉलोइंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम फैसिलिटेट्स स्टार्टअप टू फाइल एप्लीकेशन फॉर पेटेंट्स, डिजाइंस, ट्रेडमार्क्स थ्रू रजिस्टर्ड फैसिलिटेटर्स, the appropriate intellectual property offices by paying only statutory fee. भाई, नीचे चार जो पॉइंट दिए हैं, उसमें से जो पर्सन स्टार्टअप करेगा, कोई नया बिजनेस शुरू करेगा, तो उसके पास आइडिया होगा, कोई फॉर्मूला होगा, कोई क्या स्पेसिफिक इन्वेंशन होगा, तो उसको अगर पेटेंट करना है, ट्रेडमार्क करना है, कॉपीराइट करना है, तो गवर्नमेंट की कौन सा ऐसी एजेंसी है या डिपार्टमेंट है जो उन्हें सिर्फ स्टैट्यूटरी फीस लेके ये रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी देती है? रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी क्या देती है? इन चार ऑप्शन है, स्टार्टअप्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन स्कीम, वेंचर कैपिटल असिस्टेंस स्कीम, मल्टीप्लायर ग्रांट स्कीम एंड रॉ मटेरियल असिस्टेंस व्हाट स्कीम. अगर आप लोगों ने मॉड्यूल ढंग से पढ़ा है तो ऑटोमेटिकली आंसर इज व्हाट? ऑप्शन ए. इसे कहते हैं SIPPS, मतलब स्टार्टअप्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या ढंग से प्रोटेक्शन स्कीम एंड व्हाट. इसके तहत Entrepreneurs अपने ट्रेडमार्क को, पेटेंट्स को, कॉपीराइट को रजिस्टर कर सकते हैं एंड दूसरे उसे कॉपी ना कर सके क्या, या इसीलिए क्या से सिक्योर करवा सकते हैं एंड बाय ओनली पेइंग व्हाट द स्टैट्यूटरी फीस व्हाट रिक्वायर्ड. सिंपल. बस बच्चे लोग, इसी के साथ नवंबर के क्या जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए थे, ठीक है, हम आपके लिए क्या वो लेके आए हैं. तो फिर से ऐसी चीजें, ऐसे सपोर्ट आप लोगों के लिए लेते आते रहेंगे. देन थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट. God bless you always.